डाइट जॉनी भाई, इतनी ज्यादा डाइट तो बता दी आपने, इतने ज्यादा मील्स बताएंगे, पर खाएगा कौन? इतना मुश्किल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतने ज्यादा मील्स कैसे खाएं हम, कौन बनाएगा? ऐसे ऐसे मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेरे भाई पूछ रहे हैं। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मुझे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 6 से 7 मील्स खाना पॉसिबल ही नहीं है। मुझे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मील्स इतने ज़्यादा बनाएंगे तो 1-1 घंटे के बाद जो है वो जाना पड़ेगा किचन में, और 2 घंटे के बाद मील लेना, तो हम ऑफिस में कैसे काम करेंगे? भाई मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, मैं ये नहीं जानता आप कैसे करेंगे। अब अगर आपकी मोटिवेशन लेवल जो है हाई होगा, अगर आपकी डेडिकेशन जो है हाई होगी, और आप सच में ही जिम से, बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं, आप खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे ये रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं है आप कैसे करेंगे, मुझे सिर्फ ये बताना था कि डाइट क्या होनी चाहिए, 6 से 7 मील्स लेने हैं, कैसे मसल गेनिंग करनी है, कैसे कैलरी सरप्लस में जाना है, और कैसे कटिंग के टाइम कैलरी डेफिसिट में जाना है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी वीडियो में, डाइट की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन अब कैसे बनाएंगे, तो भाई कैसे का कोई जवाब नहीं है। मोटिवेशन लेवल जो है हाई होगा तो वो आप खुद ही राह ढूंढ के खुद ही बना लोगे। अच्छा, एक और चीज, अब जब आप बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस लाइन में आते हो तो आपको कुकिंग आनी चाहिए, आपको मील्स प्रिपेयर करने आने चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो भाई बॉडी बिल्डिंग लाइन जो है, फिटनेस लाइन जो है, आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग लाइन जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश उसमें होना पड़ता है। सेल्फिश इन द सेंस कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है, आपकी हेल्थ का आपको अपने आप ख्याल रखना पड़ेगा, कोई और आपका ख्याल नहीं रखेगा। हाँ, अगर आपकी जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या आपकी मदर आपके लिए कुकिंग कर रही है, आपके मील्स बना के दे रही है, बहुत बढ़िया बात है, अगर वो हेल्प कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, पर अगर नहीं कर रहे तो आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि 6 से 7 मील्स बनाना आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी मदर के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग आपका अपना शौक है, आप खुद कुछ करना चाहते हो, दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हो, तो कुकिंग सीख लें, खुद खाना बनाना शुरू कर दें, खुद अपने मील्स जो है प्रिपेयर करना शुरू कर दें, उनको पैक करना शुरू कर दें। और जो ये कहते हैं कि मील्स कैसे ऑफिस में खाएंगे, 2-2 घंटे बाद कैसे खाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई अपने शरीर के लिए नहीं कर पाओगे तो किसके लिए करोगे यार? और अगर ऑफिस में जा रहे हो वो किस लिए जा रहे हो? अपने और अपने जो सराउंडिंग के हैं, आप जो हैं, आपका परिवार है, उसकी देखरेख के लिए जा रहे हो ना, तो उसकी देखरेख कब कर पाओगे? जब आपकी हेल्थ खुद बढ़िया होगी। और हेल्थ बढ़िया तभी ही होती है फ्रेंड्स, हेल्थ तो ऐसी चीज़ है जब आपका माइंड भी हेल्थ की तरफ ही जाएगा तभी वो बढ़िया होगी। अगर आप सोचो माइंड कहीं और हेल्थ कहीं और, तो ऐसे नहीं पॉसिबल होता, आपको एक ही डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। आपकी हेल्थ के बारे में भी आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा और पूरे गंभीर होकर ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बढ़िया शरीर लेके अच्छे तो दिखोगे ही, आपका माइंड भी बढ़िया काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा सेल्फिश बनो और खाना जो है टाइम पे खाओ, आपके मील्स जो हैं जो आपने प्रिपेयर करके लाए हैं वो आपने टाइम पे खाने हैं, चाहे वो ऑफिस ही हो, अपने साथ में रख लें अपने बैग को, और 2-2 घंटे के बाद आप मील्स खाते रहें। मील्स कैरी करके कैसे लेके जाने? हॉट बैग्स आते हैं, और अगर कोई ऐसी ठंडी चीज़ है जो ठंडी रखनी है आपने, तो ऐसे जो है आइस बैग्स भी आते हैं जिसमें वो चीज़ ठंडी रहती है काफ़ी देर तक। इवन जो है ऑफिसेज में भी जो है ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे जो है हॉट चैम्बर्स होते हैं, जो कह सकते हैं जो कि हॉट रखता है चीज़ों को, वहाँ पे आप वो चीज़ें यूज़ करें भाई। फ्रिज भी होते हैं ऑफिसेज में, तो आप वो चीज़ें यूज़ करें भाई। क्यों आप ये चीज़ कह के कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको सीधी ही डायरेक्शन में देखना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने करना है, अब ये कैसे करना है ये मैंने खुद सोचना है, ठीक है? ये आपको कोई नहीं बताने आएगा कि ये कैसे करना है, अगर आपने ठान लिया तो आप कर लोगे। तो ये मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा था, ये पॉसिबल है डाइट। और मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कई नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए मैं बताने लगा था कि जो आपने डाइट बताई है वो तो बढ़िया डाइट नहीं है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। वो डाइट बहुत बढ़िया और वो पॉसिबल भी है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर सारे उसी को यूज़ करते हैं, वैसे ही 6 से 7 मील्स बनाते हैं। हाँ, उनका प्रोटीन इंटेक, उनका कॉम्प्लेक्स कार्ब, उनका फैट वगैरह वो उस हिसाब से ही मैनेज करते हैं, अपने बॉडी वेट अपने साइज़ के हिसाब से मैनेज करते हैं। मैंने जैसे कि बताया, आप अपने वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन कार्ब फैट वगैरह एडजस्ट करिए, ज़रूरी नहीं है उतने ही कैलरीज आपने कंज्यूम करनी है, पर आपने धीरे धीरे कैलरीज को सरप्लस करना है गेनिंग के टाइम, और कैलरी डेफिसिट करनी है जब आप कटिंग कर रहे हैं, जब आप श्रेड कर रहे हैं फैट को। तो ये मेरी एक
थोड़ी सी गुजारिश थी मेरे भाइयों को, ऐसी चीज़ें मत बोलें, क्योंकि आपके ऐसे कमेंट से कई और लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट करना मेरा काम है, मैंने आपको बढ़िया डाइट भी बताई है और बढ़िया मील्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और कितने मील्स खाने हैं ये मैंने सारा चीज़ बताई है। आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें कमेंट में लिख के कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे आप और लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। जो भाई जो बिगनर हैं वो कोशिश भी करेंगे मील्स लेने की, उनको भी आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप वो सोचेंगे कि जब ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो भाई जब पॉसिबल नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो ये भाई अपनी सोच चेंज करो, अपने बड़ा भाई, मुझे बड़ा भाई होने के नाते मेरी बात मानो, बिल्कुल पॉसिबल है। जब आपका दिमाग कह देता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, तो 6-7 मील्स तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लड़के ऐसे ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 घंटे भी जिम लगाते हैं। अब मैं ये नहीं क्वेश्चन कर रहा यहाँ पे कि बढ़िया चीज़ है या गलत चीज़ है ऐसे लगाना, पर उनका डेडिकेशन लेवल देखिए वो कितना ज़्यादा जिम लगाते हैं। वो भी तो पॉसिबल है, वो भी तो कर रहे हैं। उस खाना उससे तो आसान ही है,